सुप्रभात दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। और काफ़ी दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हमारे यहाँ बलरामपुर में बाढ़ आई हुई है, तो यहाँ के आसपास गांव बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं, सब बह गया है। तो इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी और सिर्फ बाढ़ वाला ब्लॉग बनाया था, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। मैंने सोचा इसको आपके साथ में शेयर करते हैं, क्योंकि अभी राहत तो मिल रही है, पानी अब थोड़ा सा कम हो रहा है, कुछ इंच कम हुआ है और अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा कम भी हो रहा है। अब जो प्रभावित गांव हैं, वहां के लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ही मुसीबत का समय है। बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि सबको इस आपदा से निकालें और शक्ति दे ये सब सहने की। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड जा चुके हैं वर्किंग पे और बस मैं जा रही हूँ पुराने वाले घर पे, क्योंकि करवा चौथ है तो वहीं पे पूजा होगी, तैयारियाँ करनी हैं। तो अभी मैं निकलने वाली हूँ और ये है मेरा करवा, इसको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है। ये मैंने लास्ट ईयर इसको एक्रेलिक पेंट से बनाया हुआ था, तो ये नहीं निकला है, तो ये ऐसे ही है, बस मैंने इसको वॉश कर दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे पुराने वाले घर पे। सृष्टि का फ़ोन भी आया था कि चाची कब आओगी, फरे बनाने हैं जो हमारे यहाँ पे करवा चौथ में बनते हैं। तो बाकी का आगे का मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। तो चलते हैं पुराने वाले घर पे, वहीं पे आपसे मिलते हैं। और हाँ, ये मैंने मेहंदी लगाई थी, ये अपने हाथ से मैंने खुद ही लगा ली है। ये देखिए कैसी लग रही है। तो चलिए मिलते हैं पुराने वाले घर पे, ठीक है, बाय। तुम्हारा भी इस तरह है कि मम्मी का है? मम्मी का है। क्या कर रही हो? कलरिंग। स्कूल तो छुट्टी, और इसको कपड़े तो पहना दो। वैसे ही है। ऐसे ही है, ये तो ये सृष्टि कर रही है कलरिंग। और ये कली बुक आई है, आज पूरी खत्म होने वाली है ना? खत्म नहीं होने वाली अभी। हाँ, बस ढेर सारी, क्या दो ही तीन तो है बस, बाकी तो तुमने कर डाला। और अभी मैंने दुपट्टा चेंज कर दिया है, क्योंकि वो सरक रहा है, जर्जर का है ना, इस वजह से। बस ये देखिए, चल के आई हूँ, गर्मी लग रही है, तो चलो काम करवाओ चल के। चल से कर ले, तो आ रहे हैं। अच्छा, बैठ के करने भी नहीं देती चाची। नहीं तो आज काम का दिन है ना, तो आज काम करवाओ। हाँ, 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 इसको बाद में करना। हाँ, कर ले, बस आ जाएंगे। ठीक है, जैसे होगे मुझे आ जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ये सिंचन है, माय फेवरेट कार्टून सिंचन, जो मैंने कली कलर कर दिया था। ये कली, ये और बुक भी कली आई है ये। और ये देखिए पूरी जो है सृष्टि ने सब, ये मैंने कल करा है और ये आज। ये भी तो कल करवाई थी तुम? नहीं, ये आज करा। आज क्या है, मॉर्निंग में? नहीं नहीं, यहाँ करे हैं। अच्छा, अभी इसको रिलीज कर लूँ मैं। अगर आप कभी पेंसिल कलर खरीदे, आपको ये चीज दिखे, तो आप समझिएगा आपका जब पेंसिल कलर छोटा हो जाए, तो इसमें इस तरह, मैं बता रही हूँ, इस तरह डाल के आप कलरिंग कर सकते हैं। हाँ। तो मेरे और हम लोग पता क्या करते थे, इस जब हम लोगों के कलर या पेंसिल छोटी हो जाती थी, हाँ। तो ये जो तुमको ये मिला है, ये फ्री मिला है, हाँ। तो हम लोग जो ना स्केच कलर आते थे, खराब हो जाते थे, तो उनके पीछे लगा लेते थे। हाँ पा, आइए, उसके पीछे लगा लेते थे ये। अच्छा, ये तुम लोगों को मिलता है फ्री में? पहले तो हम लोग मिलता भी नहीं था हम लोगों को ये सब। तो यहाँ पे मम्मी ने करवा को चूने से कलर कर दिया है, और चूने से ही किया जाता है हमारे यहाँ पे, मिट्टी के जो करवा होते हैं। और अभी मुझे इसमें कुछ कलाकारी करनी है, तो ये आलता ले आई हूँ मैं, उससे डिज़ाइन बनाऊँगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ गैलरी में, और ये सब करवा मम्मी ने पेंट कर दिया है चूने से, क्योंकि चूने से ही होता है हमारे यहाँ पे। और सामने देखिए कौन है मेरे, दिख नहीं रही हो क्योंकि अपोजिट साइड हो, है सृष्टि? क्योंकि पीछे से रोशनी आ रही ना, इसलिए सृष्टि दिख नहीं रही है। आशिक्टो, आशिक्टो, हाय, काम करें? Yeah.
जो करवा है वो फिल हो गया है, मैंने कलर किया और सृष्टि ने फिल कर दिया है। दिखाते हैं आपको, ये इतने सारे करवा इसलिए हैं क्योंकि ये मेरा है, ये मम्मी का है, ये मेरी दूसरे नंबर वाली जिठानी का है, ये तीसरे नंबर वाली, ये सबसे बड़ी वाली, और ये सब बच्चों के नाम के हैं करवा, हमेशा हर साल रखती मम्मी। तो अभी बनेंगे फरे, और फरे तो मैं आपके साथ में कई बार शेयर कर चुकी हूँ। ये दाल मम्मी ने पीस दी है, तो चलिए फरे बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है, बाय। हेलो दोस्तों, अभी तो फरे बन चुके हैं और खाने की तैयारी हो रही है, रात की डिनर की तैयारी। तो अभी मैं सब्जी और दाल अभी बना दूँगी और बाकी चीज़ें रात में जब रेडी होके आऊँगी तब बनाऊँगी। ये बन गए हैं, ये दाल वाले बने हैं, तो इसलिए मैं आधा काम अभी करके जाऊंगी, आधा पूरी और चावल जब पूजा होगी उसी समय मैं बना दूंगी। इधर मैं आलू फ्राई कर रही हूँ सब्जी के लिए, और ये गोभी है अभी इनको फ्राई करना है, और इधर दाल चढ़ा दी है। हेलो दोस्तों, 4:30 बज गए हैं और मैं अभी भी यहाँ पर हूँ क्योंकि खाने की तैयारी कर रही थी, वो मैंने आपको बताया। तो सब कुछ बन गया है, सिर्फ चावल और पूड़ी जब पूजा हो जाएगी उसके बाद मैं बनाऊंगी, और आटा वगैरह सब मैंने कूट के रख दिया है। ये देखिए पूड़ी का आटा, और इधर खीर बन रही है वो भी मैं बना दूंगी अभी, और इधर सब्जी बन गई है, इसमें दाल है। तो अभी जहाँ पूजा होनी है आंगन में, वहाँ पे मुझे चौक बनानी है, तो वो भी मैं अभी बना के जाऊंगी क्योंकि रेडी हो गया होगी तब बन नहीं पाएगा। तो गाय का गोबर होता है उससे मुझे चौक बनानी है, उसके बाद चावल के आटे से जो डिज़ाइन होती है वो बनाऊंगी। तो चलिए उसको कर लेते हैं, फिर मम्मी के पैरों में रख लगाएंगे, और मैं तो अभी घर जाऊंगी तो वहाँ पे नहाने के बाद अपने मतलब रेडी होंगी तब रख लगाऊंगी। तो पहले सबसे पहले चौक बना लेते हैं। तो ये देखिए मैंने चौक भी डिज़ाइन कर दिया है, और अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पैरों में आलता लगाने। आशीष जी भी वर्किंग से आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि यहीं पे हूँ पुराने वाले घर पे, आप यहीं पे आ जाना, फिर लेके जाना मुझे, व्रत में काम करते रहो तो परेशानी नहीं होती, अगर आप फ्री बैठे हो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ पे है, मैंने प्लेटें भी वॉश कर दी है रात में खाने के लिए। Thank you.
अभी हम लोग आ गए हैं नए वाले घर पे और फोटो सेशन हो रहा था। देखिए फोटो खिंचवा रही थी, फिर से ज्वेलरी मैंने पहन ली थी, वहाँ पे पूजा करने के बाद उतार दिया था मैंने, और खाना पीना तो सब हो गया है। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। यदि ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।